तो चित्ते की सिर्फ बात करते हैं और डिस्टेवरी की सिर्फ बात होती है वहाँ से ही जहाँ पर इससे पहले वाला एपिसोड एंड हुआ था, यानी कि हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग का सीन जहाँ पर वो अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा था, यानी कि वो अपने ब्लड को साफ कर रहा था उस पॉइजन से। और इधर हमें दिखाया जाए इधर सुक्यूंग कर भी लेता है, तभी हमें दिखा जाए इधर क्वीन वे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इधर वो बोलने लगती है, मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन तुमने मुझे ऐसा दिखा दिया कि तुम बहुत ही दर्द में हो। और तभी हमें दिखा जाए सुकून बोलने लगता है, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता क्योंकि कोई भी मुझे नहीं मार सकता, तो तुम कैसे मुझे मार सकती हो। तभी हमें दिखा जाए इधर वे भी बहुत गुस्सा होती है और इधर हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगती है हाँ मुझे ये बात पता है। और तभी हमें दिखा जाए सुकून बोलने लगता है, अगर मैं तुम्हें मार भी लेता हूँ तो तुम मुझे क्या ही कर सकते हो, तुम तो मुझे मार ही नहीं पाओगे तो तुम्हारा क्या काम है। और तभी हमें दिखा जाए सुकून बोलने लगता है, ऐसे भी मेरे हाथ में खराब नहीं करने वाला इसको मार कर, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, यानी कि मैं तुम्हारी लाइफ को बख देता हूँ। और इधर वो बोलने लगता है तुम्हें वो दवाई बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ और कुछ ऐड होगा, यानी कि तुम्हें मुझे पॉइजन भी देना पड़ेगा जो कि तुम बनाओगी। और इधर जो तुमने मुझे आज दिया था वैसे ही मुझे भी एंटीडोट चाहिए, यानी उसका एंटीडोट अब मुझे नहीं चाहिए लेकिन उसका पॉइजननेस मुझे अब चाहिए, इसे मैं किसी और के ऊपर भी ये यूज कर पाऊँ। और तभी अमेरिका से वे भी बोल देती है ठीक है मैं दे दूंगी। तभी अमेरिका से इधर सुकून बोल रहा होता है, तुम इतनी छोटी सी बात को तुमने बहुत ही ऊपर ले गई, यानी कि तुमने मुझे मारने का चाहा लेकिन तू नहीं मार पाई। तभी हमें दिखा देता है इधर हमें वे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इधर वो उसे मारने के लिए आगे आ जाती है और इधर वो एक पंच लगाने वाले होते हैं, लेकिन इधर सुक्यू उसे हाथ खींच कर उसके पास ले आता है और वो बोलने लगता है तुम्हें इतनी छोटी छोटी कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा। तभी हमें दिखा जाए वे भी साइड हो जाती है और तभी हमें दिखा जाए इधर सुक्यू बोलने लगता है अब तुम अपना काम करो, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकती हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल तक मुझे वो दवाई चाहिए क्योंकि यानी कि जो एंटीडोट है उसे तो तुम्हें अब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइजन को ही बनाना है तो तुम्हें मुझे कल वो दे देना पड़ेगा। तभी अभी दिखा जाए इधर वे बोलने लगती है ये थोड़ा टफ है, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगेगा और मैं लगभग इसे परसों सुबह दे सकती हूँ। तभी अभी चूंकि बोले लगता है लेकिन तुम्हें ये जल्दी देना पड़ेगा, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, तुम लोग क्या सोचते हो वे के बारे में कमेंट करके बताना जरूर। तभी हमें दिखा जाए इधर वे बोल रही होती है लेकिन मैं अपनी कोशिश करने के लिए रेडी हूँ, यानी कि वो कोशिश करेगी दवाई को बनाने के लिए। बार बार मैं क्यों दवाई बोल रहा हूँ ये पॉइजन है। तभी हमें दिखा जाए इधर सुक्यू का फोन में कॉल आता है और इधर हमें दिखा जाए सांसी रहे उसे कॉल किया था। तभी हमें दिखा जाए सांसी बोलने लगती है वाह वाह हमारे ऑफिस के बाहर ही है, तुमने जब बोला था वाह वाह को बुलाने के लिए तो वो आ चुके हैं, अब क्या करें हम लोग। तभी हमें दिखा जाए सुक्यू उसे कुछ बोलता है और तभी हमें दिखा जाए इधर वाह वाह का सीन जब वो थोड़ी डरी डरी होती है और शायद से वो सांसी से डरी थी। तभी हमें दिखा जाए इधर कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर सुक्यू जैन के रूप में आ जाता है और इधर वो लोग एक जगह पर कुछ मिट्टी को खोद कर कुछ कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा जो सुक्यू था वो कुछ दबा रहा होता है मिट्टी के अंदर। और तभी हमें दिखा जाए इधर वाह वाह बोल देती है सुक्यू से कि वो तो नहीं जानती सुक्यू को, इसलिए वो बोलते हैं आप तो सुक्यू के मास्टर है ना, आपको मुझे एक बात पूछनी थी क्या आप जानते हैं सुक्यू कहाँ है, क्योंकि उसके जो मम्मी और दादी है वो बहुत ही चिंतित है उसके बारे में। और इधर हमें दिखा जाए इधर सुक्यू सोच रहा होता है ये बहुत ही चिंतित है। तभी हमें दिखा जाए मास्टर जैन बोलते हैं नहीं वो अब ठीक है, वो ऐसे भी ठीक रहेगा, वो मेरा स्टूडेंट है इस वजह से तुम्हें नहीं सोचने की जरूरत नहीं। तभी हमें दिखा जाए इधर सांसी सोच रही होती है ये सुक्यू ना सभी लड़कियों के साथ क्या क्या गलतियां रहता है, मेरे पीठ पीछे इतने बहुत सारे लड़कियों को पटा रखा है। और तभी हमें दिखा जाए इधर और तभी हमें दिखा जाए सुक्यू जब कुछ मिट्टी के अंदर डाल रहा था तभी उसके मुंह से कूड़ा आने लगता है जब वो खांसता है और इधर ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और इधर सांग से सोच रही होती है ये कैसे हो गया। तभी हमें दिखा जाए इधर सुक्यू सोचने लगता है ये जो औरत थी उसने शायद से कुछ फिर से क्या होगा जिसकी वजह से ऐसा है, यानी कि वो सोचा नहीं था कि ऐसा फिर से होगा लेकिन इसके मुँह से फिर से खून निकलने लगा था और इधर वो भी शौक था ये देखकर। और इधर वो सोच रहा होता है कि वो अब तो बचने वाला नहीं, यानी कि वे बचने वाली नहीं और इधर वो उसे कुछ ना कुछ तो करेगा और इधर तुम लोगों को ये पता चलेगा फ्यूचर में। लेकिन इधर हमें दिखा जाए मास्टर जैन ने अपना काम कर लिया था। तभी हमें दिखा जाए इधर मास्टर जैन वहां से बोलने लगती है तुमने जो आज एक कैमरे को लाने को बोला था क्या तुमने लाया है। तभी हमें दिखा जाए वहां बोलती है हाँ मैंने लाया है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यू बोलने लगता है तुम्हें अब उस कैमरे को सेटअप करना है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यू बोलने लगता है सांसी से कि तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हारे लिए भी एक काम रखा है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो एक नदी के पास आ जाते हैं और इधर हमें दिखा जाए सुक्यू बोलने लगता है तुम्हें एक पोजिस देना पड़ेगा यानी झील को देखना है। और इधर हमें दिखा जाए इधर सुक्यू बोलने लगता है तुम्हें ऐसे ही फ्रीज होता पड़ेगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर सुक्यू वहां के पास आकर बोलने लगता है तुम्हें
फोटोग्राफी करने पर मास्टर जैन वहाँ वहाँ को एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर वो नदी भी दिख रही होती है और इधर उसके सारे सांसी भी। तभी हमें दिखा जाए इधर मास्टर जैन कुछ अपने जो एक ड्रैगन स्कल था उसे निकाल देते हैं और इधर वो उसमें कुछ मंत्र बोलने लगते हैं और इधर वो कुछ अपने पावर्स को यूज करने लगते हैं जिसकी वजह से एक गोल्डन सा ड्रैगन निकल आता है और इधर वाह वाह ये देखकर शॉक थी। तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा जो मास्टर जैन था वो बोलने लगते हैं तुम्हें बहुत सारे फोटो क्लिक करना है तो करो। और तभी हमें दिखा जा रहा है इधर वाह वाह बहुत सारे फोटो को क्लिक करने लगती है और इधर हमें दिखा जा रहा है इधर सांसी का सीन होता है जहाँ पर वो देख रही होती है उस ड्रैगन को और इधर वो देख कर वो सोच रही होती है ये ड्रैगन तो बहुत ही मस्त लग रहा है और दिखने में ये असली लग रहा है। तभी अमेरिका का कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर मास्टर जैन यानी कि हमारा सू क्यूंग पीछे से आ जाता है वावा के सॉरी वावा नहीं सांसी के और इधर वो पकड़ के बोलने लगता है क्या तुम डरी थी उस ड्रैगन से। तभी हमें दिखा जाए इधर सांसी बोले थे मैं क्यों डरूंगी मुझे पता है कि वो एक फेक ड्रैगन था। तभी हमें दिखा जाए इधर सू क्यूंग और हुआ हुआ और इधर वो सांसी एक साथ ही जाने लगते हैं वहां से क्योंकि उन लोगों ने अपना काम कर लिया था। और टीवी में दिखा जाए इधर सू क्यूंग अपने कान में बोलने लगता है वावा से तुम्हें ये पब्लिश करना पड़ेगा कुछ देर के बाद जब मैं तुम्हें बोलूं इसे पब्लिश करने का तभी तुम्हें पब्लिश कर देना है और इधर उसे एक कॉपी भी चाहिए। और इधर वो बोलने लगता है मैंने दो फोटो को सिलेक्ट किया उसे ही उन दोनों फोटो को दे देना। और तभी मेरी खास चूंकि बोलने लगता है इस सारे बात को सारी जगह को पता चलनी पड़ेगी जिससे सारे लोग ही बहुत ही क्यूरियस हो जाएंगे इस न्यूज के बारे में और इधर वो लोग इस जेल में तो जरूरी आएंगे। तभी हमें दिखा जाता है इधर सू क्यूंग जा रहा होता है और तभी हमें दिखा जाता है एक सीन पर जहाँ पर ट्रैफिक होता है और इधर बहुत सारे लोग चेकिंग कर रहे थे कार का। और तभी हमें दिखा जाता है सू क्यूंग की कार का भी बारी आ जाता है और इधर जो एक आर्मी था वो जो चेकिंग कर रहा था वो बोलने लगता है हे मिस्टर अपने आपका मास्क लगाया है आप अंदर नहीं जा सकते अपना मास्क खोलिए। तभी हमें दिखा जाए सू क्यूंग बोले लगता है यानी मास्टर जैन बोले लगता है मैं अपना मास्क नहीं खोलने वाला क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ तो वॉरियर को कभी भी ये करना नहीं चाहिए अगर तुम मुझे ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम एक सर्वे डिपार्टमेंट के लोग हो और तुम्हें यहाँ पर चेकिंग के लिए लगाया है और मुझे सारा कुछ बातें पता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे लिए ये काम करवा रहे हैं। और इधर वो बोले लगता है तुम्हारे हेड से मेरा बात करवाओ। तभी हमें दिखा जाए कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर वो आदमी आ जाता है एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे क्या बोलेंगे उन लोगों को सू क्यूंग ने अभी तक उन लोगों को बहुत बार मारा है लेकिन मुझे इसका अभी तक याद नहीं। तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग कुछ अपने मजे कर रहे होते हैं। तभी यार दिखाया जाता है वो लड़का बोले लगता है आप लोगों से एक बंदा मिलना चाहता है जो कि अपने आप को कल्टीवेटर बोल रहा है और इधर वो दिखने में कल्टीवेटर लग रहा है और वो बोले लगता है आप लोगों को उसे मिलना चाहिए क्योंकि वो बंदा बोल रहा था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों के लिए बहुत ही कुछ उसने लिया है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग बोले लगते हैं उसके बारे में छोड़ो और उधर जाने दो। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बंदा बोलने लगता है लेकिन उसने बोला कि वो जानता है ये सांसी कहाँ पर है और इधर ये बात सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जब वो लोग देखते हैं उस लड़के को और जब वो बोलने लगते हैं उसका कॉलर पकड़ के कि वो लड़का कहाँ पर है क्योंकि हमें सांसी चाहिए। तभी हमें दिखा जाए इधर वो लड़का और जब दिखा जाता है वो बंदा उन सारे लड़कियों को ले आता है मास्टर जैन के पास और इधर वो सारी लड़कियां ये बोलने लगते हैं मुझे बोलो कहाँ पर है सांसे क्योंकि हमें वो चाहिए जल्द ही जल्द। और तभी हमें दिखा जाए इधर सुख के बोले लगता है तुम्हें इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है वो यहाँ पर ही है। तभी हमें दिखा जाए इधर जो एक लड़की थी वो आगे आ जाती है और जब वो मास्टर जैन के कार में एक जोर से अपना हाथ से मारती है जिसकी वजह से वो देखती है कुछ चादर के अंदर था और इधर हमें दिखा जाए इधर वो सोच लेती है ये तो सांसे होगी। तभी हमें दिखा जाए इधर वो अपने दोस्तों के साथ बोलती है कि ये आदमी सांसी को ले आया है और इधर सारे और हल्ला लग जाता है और इधर सारे लोग सू क्यूंग को मारकर यानी कि मास्टर जैन को मारकर बोल रहे होते हैं यानी वो लोग सोच रहे होते कि इसे मारकर हम लोग सांसी को ले जाएंगे। तभी हमें दिखा जाता है इधर सू क्यूंग बोलने लगता है कोई भी आगे मत आना ये कभी भी जरूरत ही मत करना कि तुम लोग मुझे मार सकते हो। तभी हमें दिखा जाए वो एक लड़की जो थी जो कि उन लोग का हेड दिख रही थी वो आगे आ जाती है सू क्यूंग के। तभी हमें दिखा जाए सू क्यूंग अपने एक किक लगाता है जिसकी वजह से वो लड़की बहुत दूर जाके गिरती है। और तभी हमें दिखा जाए इधर का सीन जहाँ पर सारी लड़कियां बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और इधर वो लोग सभी सोचने लगते हैं हम लोगों को एक साथ ही इसके ऊपर अटैक करने पड़ेगा जिसकी वजह से वो हार जाएगा और इधर हम लोग ये सांसी को ले जा पाएंगे। तभी हमें दिखा जाए इधर वो सभी एक साथ ही अटैक करते हैं और तभी हमें दिखा सुख हंसते हुए बोले लगता है तुम लोग क्या सोच रहे हो मुझे। और तभी हमें दिखा सांसी बोल रही होती है सुक्यूंग से यानी कि मास्टर जैन से कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए मुझे यहाँ पर चोट दो नहीं तो वो लोग तुम्हें मार सकते हैं। तभी हमें दिखा सुक्यूंग बोले लगता है यानी कि मास्टर जैन बोले लगता है कि तुम मुझे बहुत ही कम आंक रहे हो। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोले लगती है सांसी से कि वो सुक्यूंग का मास्टर है तो वो तो उससे भी ऊपर का होगा यानी कि वो हमें बचा सकता है। तभी हमें दिखा जाए इधर
सांसी सोच रही होती है ये तो कुछ उल्टा ही सोच रही है, ये सुकिंग है, लेकिन उसे नहीं पता है जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रही है। तभी अभी दिखा से सुक्यू का सीन जहाँ पर वो अपने पावर्स को बढ़ा लेता है और इधर वो एक ही पावर से यानी उसके जो निकल रही थी बॉडी से और उससे ही वो सारी लड़कियां बहुत दूर जाकर गिरती है। और तभी हमें दिखा जाए वहां पर बहुत सारे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं तभी हमें दिखा जाए एक बंदी निकलती है बाहर जो कि बहुत ही ताकतवर लग रही होती है और इधर हमें दिखा जाए उसका डिटेल जहाँ पर वो तांगजन की सेकंड थी। तभी हमें दिखा जाए इधर वो मास्टर जेन को देखकर बोलने लगती है क्या तुम ही मास्टर जेन हो। तभी हमें दिखा जाए सुकी बोलने लगता है हाँ मैं ही हूँ मास्टर जेन। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगती है मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे बारे में भी जानते होंगे, तो तुम लोग को इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर आने वाला है जो कि तुम लोग को जरूरी देखना चाहिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए तुम लोग को मैं यही बात बता सकता हूँ कि तुम लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए तुम्हारे लिए एक कोड देता हूँ बहुत दिनों से दिया नहीं था 5270। आशा करूंगा तुम लोग इस वाले वीडियो के नीचे उस वाले कोड को दे दोगे तभी हमें ऐसा लगेगा कि तुम लोगों ने इसे वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।